हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल दिस इज़ रोशन सर मैक्स चलिए मैं डियर स्टूडेंट्स आपके लिए एक uh, कुछ और इम्पॉर्टेंट अपलोड कर देता हूं ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक बुक दी गई थी ए टीचर्स हैंड बुक जितने भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं सारे इसके अंदर है टू थाउजेंड में दी गई थी ये डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्ज़ामिनेशन बोर्ड हैदराबाद की तरफ से तो भाई डियर स्टूडेंट्स ये बुक में से मैं आपके लिए अपलोड करूँगा एक 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 चैप्टर्स करके अपलोड करते जाऊंगा इसके भी आंसर्स आप याद करना है क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं मैथमेटिक्स uh, और फिजिक्स बायोलॉजी सोशल स्टडीज़ के इसके अंदर दिए गए हैं तो एक एक लेसन एक एक लेसन करके अपलोड करते जाऊंगा आप उन आंसर्स को एक जगह लिख लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए uh, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है पूरे इकट्ठा किए गए हैं और बहुत ही एक्सपर्ट टीचर से लिखाए गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्स्ट्रा आंसर्स भी रहते हैं तो इस बुक में आपको ज़रूर मिलेंगे तो आप उम्मीद करता हूं कि आप किसी तरह लिख लेंगे और चलिए हम स्टार्ट करते हैं चलिए टीचर्स हैंडबुक से आ, फिजिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन सेकेंड लेसन से आप देखिए यहां पर ये शॉर्ट आंसर्स है थ्री फोर सेंटेंस में लिखना है राइट लिटमस टेस्ट फॉर चेकिंग वेन क्विक लाइम एडेड टू ए वाटर सेकेंड है एक्सप्लेन द टर्म फार्मूला यूनिट इन केमिकल इक्वेशन थर्ड है, what the and है why do in और एट द डिफरेंस बिटवीन स्केल्टन इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन फोर्थ है वाई डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन रिएक्शन और वेरी शॉर्ट हो गए इस शॉर्ट आंसर से देखिए गिव द केमिकल रिएक्शन इज नॉट बैलेंस एट द फील्ड इन द टेबल कंप्लीट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड फील द टेबल यूजिंग द ट्रायल एंड एर मेथड ये आपको लेना है इक्वेशन लेके इसको आपको कम्प्लीट करना है एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है ये दोनों टेबल आपको करना है ठीक है हाउ कैन यू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इनफॉर्मेटिव बाई एक्सप्रेसिंग द हिट चेंज एक्सप्लेन द एक्सप्रेसिंग द फिजिकल स्टेट एंड कैमिकल रिएएक्शन फॉर मोर इन इन्फॉर्मेटिव गिव एन एक्जाम्पल इन केमिकल इक्वेशन फॉर्म बाई शोन फिजिकल स्टेट फॉर एवल्यूशन ऑफ गैस वेन टू केमिकल मेटीरियल आर एडिड एपरेटिस वेट वाइट ए प्रोसीजर फिफ्थ बने देखिए वेन क्विक लाइन इज एडिड टू ए वाटर

combustion for prepare for propane and balance the chemical equation third one i calculate the value of number of molecules co2 liberated at stp of 50 grams of caco3 is treated with the डेल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द कॉन्टेंट सेवन पॉइंट थ्री ग्राम्स एंड डिजोल्व है ये पूरा आप पढ़ लीजिए यहाँ तक है लेती है क्वेश्चन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मॉस ऑफ द नंबर ऑफ मालिक्यूल हाइड्रोजन लेबरेटेड वेन टू थर्टी ग्राम्स ऑफ सोडियम रिएक्ट विद द एक्स ऑफ वॉटर एस टी पी एटमिक पॉस ऑफ एन ए ट्वेंटी थ्री यू ओ इजल सिक्सटीन यू एंड एच यू कौन सा होगा आपको यहां से लिखना है उसके बाद द गि केमिकल इक्वेशन एन ए टू एसो फोर प्लस बी एस सी एल टू गिव राइस बी एस ओ फोर आपको यहाँ से लिखना है फिजिकल स्टेट एंड रियक्ट एंड प्रोडक्ट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वेन द क्विक लाइन इज एडेड टू वाटर लेबरेटेड हीट इथ कलर सोल्यूशन एड दिवे कलर सोल्यूशन टू मेटल रियक्ट विद गिव राइस गैस एब एक्टिविटीज वॉट यू कंक्लूड द ड्यूरिंग द केमिकल चेंज इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है देखिए सी ए प्लस एस टी ओ क्या होगा आपको लिखना है जेड एन प्लस एस सी एल गिव गैस द नेम ऑफ द गैस कौन सा आपको लिखना है इन केमिकल रिएक्शन ए जी एन ओ थ्री प्लस एन ए सी एल गिव एस ए जी सी एल एल प्लस एन ए एन ओ थ्री आइडेंटिफाई विश्वन सॉलिड लिखना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अंडर द सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल गिव आउट ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन गैस द बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सा है लिखना आपको? Equation, है आपको सिल्वर क्लोराइड इन द रेप्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स द सिल्वर एंड क्लोरीन गैस द बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सा है आपको चारों में से लिखना है